पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ तय हुआ हमारा, जो भी पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये पैराग्राफ हमारा लिखा हुआ है, ये हो गया पैराग्राफ क्लोज। बस इतना ही था पैराग्राफ है। अब इस पैराग्राफ में जो भी मैंने इससे पहले तीन टैग बताया है, जहाँ पे चाहे आप बोल्ड कर लें, जहाँ चाहे स्ट्रांग कर लें, जहाँ चाहे इटैलिक कर लें, वो आप पे डिपेंड करता है। समझ आ गया? इसका एग्जांपल बताऊँ? इसका एग्जांपल सिंपल है, जैसे मैंने कोई चीज़ लिखा, इसको नीचे करने का मतलब हुआ ना, जैसे हमारा पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से मैंने लिखा ए बी सी डी ई एफ जी एच, एक जेड मैंने ऐसे जेड तक लिखा, तो मेरा पैराग्राफ यहाँ क्लोज हो रहा है, मैं यहीं पर क्लोज कर दूँगा। बट कोड ऐसे जब इरर आता है ना, तो कोड ढूंढने में प्रॉब्लम होता है कि कहाँ पे हमारा इरर आ रहा है, इसीलिए ये सामने सामने लिखने से थोड़ा सावधानी होता है। हाँ, लुक भी अच्छा लगता है और इजी भी होता है फाइंड आउट करने में कि कहाँ पे हमारा प्रॉब्लम आ रहा है, ये हो गया। हाँ, एक चीज़ और इसी में लाइन ब्रेक टैग बता देता हूँ। लाइन ब्रेक टैग मैंने बताया बी आर, जैसे ए टू डी मैंने एक लाइन लिखा, उसके बाद ई टू एच मैंने दूसरी लाइन लिखा, तो यहाँ पे तो मैंने दूसरी लाइन लिखा है, बट जब हम कोड रन करेंगे, ब्राउजर पर रन करेंगे, तो हमारा कंटिन्यू शो कर देगा, डी के बाद ई एफ कंटिन्यू शो करता चला जाएगा। हाँ, मैंने यहाँ पे बी आर टैग लगा दिया, ये क्या हो जाएगा, डी के बाद सेकंड लाइन कर लेगा, लाइन ब्रेक कर लेगा, वो ऑटोमेटिकली लाइन ब्रेक कर लेगा, इसलिए हमारा लाइन ब्रेक टैग हो गया। ठीक है, और आप कौन सा टैग बता रहे थे, और कोई टैग? स्टाइल, स्टाइल तो वो सी एस एस में पड़ना है, स्टाइल।